Swayam Prabhat, Digital India, Educated India. सभी लोगों को नमस्कार ये जो विषय है जिसपे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इस विषय का नाम है प्रशासनिक विधि और प्रशासनिक विधि को हम लोगों को दस लेक्चर में करना है इसको दस मॉड्यूल में हमने डिवाइड किया है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस और दस में से चार लेक्चर पे ऑलरेडी हम लोगों का लेक्चर हो चुका है डिस्कसन हो चुका है तो विषय है प्रशासनिक विधि और आज का जो पांचवां लेक्चर है ये क्या है इसको मैं अभी बताऊंगा उसके पहले आप जान जाएँ कि मेरा संक्षिप्त परिचय क्या है आप सभी लोग जान जाएँ तो मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद तिवारी है मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है मैं न्यायिक अधिकारी भी था आसाम न्यायिक सेवा परीक्षा को पास करते हुए और विगत बारह तेरह साल से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय है आपके पास अब जो विषय है वो है प्रशासनिक विधि इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं तो हम लोगों ने ऑलरेडी इस पर बहुत बात कर चुके हैं हम लोग तीन चार लेक्चर में जैसे आपको मैं बताऊं सबसे पहला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने विषय के इंट्रोडक्शन की बात करा था कि प्रशासनिक विधि क्या है इसका अर्थ क्या है इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ प्रशासनिक विधि में किसको पावर दिया जाता है उसके पावर को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म क्या है अगर वो पावर का मिस करके किसी के राइट को प्रभावित कर देगा तो उसको उपचार क्या उपलब्ध है तो ये हम लोगों ने पहले मॉड्यूल में देखा था दूसरे मॉड्यूल में हम लोगों ने विधि के शासन के बारे में बात किया था कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए रूल ऑफ मैन नहीं होना चाहिए नहीं तो एनआर हो जाएगी लॉलेसनेस हो जाएगा और इस चीज़ को रोकने के लिए प्रोफेसर ए वी डाइसी ने ग्रेट ब्रिटेन में इसको डेवलप किया था प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ हालांकि रूल ऑफ लॉ ऐसा नहीं है वेस्ट का प्रिंसिपल है ये इंडियन अगर जूस में आप देखेंगे तो इंडियन जूरूसपूडेंट्स के एनशियट इंडियन जूरूसपूडेंट्स से ही विधि का शासन हमारे पास था जिसमें एनआर का एक्सक्लूजन था इसी तरीके से जो तीसरा मॉड्यूल था उसमें हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की थी सेपरेशन ऑफ़ पावर में है कि शक्तियों का पृथककरण होना चाहिए शक्तियाँ एक हाथ में नीहित नहीं होनी चाहिए अगर सारी शक्तियाँ एक हाथ में नियत होंगी तो आदमी क्या हो जाएगा एनआर हो जाएगा जिसको कहते हैं पावर करप्टन एप्सल्यूट पावर करप्ट एप्सलूटली तो इसको रोकने के लिए शक्ति पृथककरण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था हालांकि शक्ति पृथककरण अगर भारतीय जुरू में आप देखेंगे तो एनसी टाइम से प्रिवेलेंट था हमारे यहाँ और चौथा जो लेक्चर था वो हम लोगों ने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे किया था जिसमें कि ये है कि जनरली तो कानून बनाने का पावर विधायिका के पास है लेकिन कभी कभी विधायिका इसको लेजिस डेलीगेट कर देती है कि इसको एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका को और अकॉर्डिंगली कार्यपालिका उस पर सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन बनाता है तो उसमें तमाम बातें हैं कि भाई इसको कब डेलीगेट करेंगे कब नहीं डेलीगेट करेंगे क्या डेलीगेट करेंगे क्या नहीं डेलीगेट करेंगे डेलीगेट करने के बाद कंट्रोल कैसा होगा क्योंकि डेलीगेट करने के बाद एग्जीक्यूटिव के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगा फिर वो जनता के अधिकारों का हनन न करने लगे और उसमें जो है स्वेच्छाचारिता ना आ जाए तो इस सब चीज़ के लिए हमारे पास ये व्यवस्था है कि इसको कंट्रोल कैसे करेंगे तो कंट्रोल मैकेनिज्म भी उसमें दिया हुआ है लेजिस्लेटिव कंट्रोल है जुडिशियल कंट्रोल है प्रोसीजरल कंट्रोल है तो ये सारा हम लोगों ने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में देखा था तो इन तीन चार बातों पर हम लोगों ने बात कर लिया है आज पांचवा पॉइंट है जिसपे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं अगर आप स्लाइड पे देखेंगे तो पांचवा मॉड्यूल क्या है आपको दिखेगा देखिए विषय पाँच प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत तो ये जो विषय है आज ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की बात करता है प्राकृतिक न्याय का मतलब जैसे हम इसको बड़ा कॉमन भाषा में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल की बात है इसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इसको बोलते हैं देखिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अब ध्यान दीजिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है अभी इसमें मैं पूरा क्षेत्र विस्तार और इसके सारे कॉम्पोनेंट की बात करें एक एक करके विद हेल्प ऑफ वेरी वेरियस केसेस विच हैज डिसाइडेड विद कोर्ट ऑफ लॉ हम इसके जनरल कॉमन फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात आपको बताऊँ तो नेचुरल जस्टिस क्या है तो नेचुरल जस्टिस एक तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नेचुरल जस्टिस कोई संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान नहीं है ये किसी कानून में सेक्शंस में धारा में आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है हाँ नेचुरल जस्टिस एक कॉन्सेप्ट है एक संकल्पना है जो न्यायपालिका के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पे आधारित है तो बहुत ज्यादा सिद्धांत जो न्यायपालिका ने प्रतिपादित किया है और उसी सिद्धांतों पे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल काम करते हैं नेचुरल जस्टिस बड़ा पुराना प्रिंसिपल है कानून का आज से नहीं अगर आप ग्लांस करेंगे अपना अटेंशन ओवर दी नेचुरल लॉ स्कूल आप जरूर स्टूडेंट्स तो आपको वहाँ से भी दिख जाएगा कि नहीं इसमें कुछ इनहरेंट जस्टिस के कंडीशंस हैं क्वालिटीज हैं और इंसिडेंट्स हैं जिसको न्यायपालिका को या अधिकरण को जब वो जुडिशियल डिसीजन या आर्डर करता है तो उसको ध्यान में रखना चाहिए प्राकृतिक न्याय की हम बात करें तो ये भारत इसमें बहुत ही प्राचीन समय से प्राकृतिक न्याय का परिपालक रहा है क्योंकि भारत की न्याय प्रणाली बहुत ही समृद्ध थी और आप इतिहास उठाएंगे प्राचीन भारत में भी देखेंगे तो हमारा प्राचीन विधिशास्त्र था उसमें भी न्याय की संकल्पना बड़ी बृहद थी अगर आप राम राज्य को देखें जो कि बहुत ही ओल्डेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है पूरे विश्व का तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो नेचुरल जस्टिस की बात थी राजा जो है जनता के लिए जनता को न्याय करने के लिए किसी भी हद तक जाने में सक्षम था और जाता था और केवल राम राज्य ही नहीं बहुत ऐसे आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन थे भारत में जिन्होंने न्याय का एक पराकाष्ठा पर स्थापित किया है पूरे विश्व लेवल में जिसका डिस्कशन और जिसपे रिसर्च होते हैं इवन विदेशों में भी उसी न्याय की परिसंकल्पना को लेकर के जब आप देखेंगे वेस्ट में बहुत थ्योरी प्रपाउंड कर दी गई जैसे बड़ा सेलिब्रेटेड प्रिंसिपल है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आप जॉन रॉल्स को सुनते हैं आप पोर्सनर्स का थ्योरी ऑफ इंटाइटलमेंट सुनते हैं इसी तरीके से अगर भारत में आप देखेंगे बड़ा रिसेंट में अठारह शताब्दी में तो आप देखेंगे सेन मॉडल ऑफ जस्टिस है गांधीयन मॉडल ऑफ जस्टिस है तो ये सारे संग जस्टिस की आधुनिक परिकल्पना भारत में है तो हमारे यहाँ ये जो नेचुरल जस्टिस है बड़ी पुरानी थी इसी नेचुरल जस्टिस को आगे बढ़ाते हुए मॉडर्न थ्योरी ऑफ जस्टिस डेवलप की गई है स्कॉलर्स के द्वारा कुल मिलाकर के इसका लब्बोलुआ भी है इसका कंक्लूजन ये है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट सीम्स टू हैव बिन डन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैक्जिम चलता है तो कैसे पता चलेगा कि जस्टिस होते हुए दिख भी रहा है जैसे मान लीजिए हमारे ही लड़के का सिलेक्शन है किसी में और मैं ही उस बोर्ड का चेयरमैन बना हुआ हूं हालांकि हमने कोई पक्षपात नहीं किया दस लोग आए थे हमारा ही लड़का मेरिट में सबसे ऊपर था और मेरिट के आधार पर हमने सिलेक्शन किया है लेकिन दस लोग जब कोई पूछेगा कि भाई इसका सिलेक्शन क्यों हुआ है क्योंकि चेयरमैन इसके पिताजी ही बैठे हुए थे हालांकि वो मेरिट से आया है जस्टिस तो हुई है लेकिन जस्टिस दिख नहीं रही है और लोगों को लगेगा कि नहीं नहीं ये तो इसलिए सिलेक्ट हो गया क्योंकि इसके फादर ही उस बोर्ड के चेयरमैन थे कहने का मतलब ये है कि नेचुरल जस्टिस यह है कि भाई न्याय होना भी चाहिए और न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए तो इसलिए इन्होंने कुछ सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है अगर आप भारत के संविधान की बात करेंगे तो अनुच्छेद चौदह में देखेंगे अनुच्छेद चौदह में हालांकि कहीं नेचुरल जस्टिस लिखा नहीं है जो टर्म यह नहीं लिखा हुआ है कि नेचुरल जस्टिस प्राकृतिक न्याय कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन कई जुडिशियल डिसीजन हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आर्टिकल 14 की इक्वालिटी में नेचुरल जस्टिस इंटीग्रल पार्ट है इसका जब तक नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं होगा तब तक समानता का पालन नहीं हो सकता क्योंकि नेचुरल जस्टिस फेयरनेस की बात करती है और इक्वालिटी में अगर फेयरनेस नहीं है तो इक्वालिटी नहीं होगी आर्बिट्रेरीनेस है तो इक्वालिटी नहीं होगी अन रिजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है तो इक्वालिटी नहीं होगी क्लास लेजिस्लेशन है तो इक्वालिटी नहीं होगी तो इस सबको सिक्योर करने के लिए हमको फेयरनेस पे आना पड़ेगा और फेयरनेस बड़ा प्रॉमिनें प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का तो भारत के संविधान में भी अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल चौदह में आपको देखेगा आर्टिकल 19 में अगर आप देखेंगे रीजनेबलनेस की बात है युक्त युक्तता होनी चाहिए तो रीजनेबलनेस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई चीज़ रीजनेबल है कि अनरीजनेबल है ये लाइन ऑफ डिमार्केशन है उसके जस्नेस और अनजस्टनेस में फेयरनेस और अनफेयरनेस में नेचुरल जस्टिस यही बात कहता है कि रीजनेबल स्टेप लेना है आपने आर्टिकल ट्वेंटी में जाएंगे तो जस्नेस और फेयरनेस की बात है मेनिका गांधी के जजमेंट को अगर आप ध्यान रखें थोड़ा सा मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नाइनटीन सुप्रीम कोर्ट उसमें सुप्रीम कोर्ट बताती है कि लॉ शुड बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल तो जस्ट फेयर और रीजनेबल का कॉन्सेप्ट जो सुप्रीम कोर्ट देती है कहाँ से है ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है तो नेचुरल जस्टिस को उसके प्रिंसिपल पे न जाते हुए मैंने आपको शुरू में बताने का प्रयास किया कि नेचुरल जस्टिस के क्या हैं ने कैसे डेवलप हुआ और भारत के संविधान में जो थोड़ा बहुत आपको मैं ग्लिम्स के तौर पर बताया कि फंडामेंटल राइट के कुछ प्रामिनेंट आर्टिकल में चौदह उन्नीस इक्कीस जिसको हम गोल्डन ट्राइंगल बोलते हैं इसमें आपको यह दिख जाएगा तो यह प्राकृतिक न्याय का एक फाउंडेशन था इसका एक इंट्रोडक्शन था अब आगे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं तो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखें नेक्स्ट स्लाइड है इसका अर्थ क्या है इसकी प्रकृति क्या है उसका उद्देश्य क्या है और इसका विस्तार क्या है ध्यान दीजिए तो इसमें तीन चार पाँच पे पॉइंट पर पे हम लोग बात करेंगे जिसमें अर्थ की बात है तो प्राकृतिक न्याय में अगर अर्थ की आप बात करें तो प्राकृतिक न्याय लोक कल्याणकारी राज्य में बहुत जरूरी है क्योंकि लेसेस फेरे स्टेट नहीं है जब लेसेस फेरे स्टेट हुआ करता था पुलिस स्टेट हुआ करता था उस समय फेयरनेस की बात नहीं थी क्योंकि एवरीथिंग वाज रूल्ड बाय द मैन और स्टेट का बड़ा मिनिमल रोल था इन द एक्टिविटी ऑफ पीपल लेकिन जब वेलफेयर स्टेट आ गया आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टिकुलरली इन इंडिया तब आप देखेंगे कि स्टेट का बड़ा वाइड रोल है और राज्य जो है लोक कल्याणकारी राज्य है तो लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य का बहुत ज्यादा दायित्व तो है स्टेट शुड हैव मच मोर कंसर्न इन द एक्टिविटी ऑफ पीपल इसको हम बोलते हैं वेलफेयर स्टेट तो ऐसा नहीं मैक्सिमम गवर्नेंस होगा और मिनिमम गवर्नमेंट होगा ये लोक कल्याणकारी राज्य है तो प्राकृतिक न्याय इसमें बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है जिसमें जस्टनेस की बात है फेयरनेस की बात है रीजनेबलनेस की बात है तो ये इसका एक तरीके से अर्थ है जो हम देखेंगे लोक कल्याणकारी राज्य के विकास के साथ साथ नेचुरल जस्टिस का होराइजन बढ़ गया है इसी तरीके से इसकी प्रकृति को देखेंगे इसमें बायसनेस नहीं होना चाहिए इसमें पक्षपात नहीं होना

रूल ऑफ लॉ कैसे स्टेब्लिश होगा जब हमको पता चलेगा कि न्याय फेयर हो रही है महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जिस दिन न्याय से लोगों का विश्वास उठ जाएगा उस दिन डेमोक्रेसी को हो जाएगी तो डेमोक्रेसी लोकतंत्र को बचाने के लिए न्याय उसका बड़ा ही फाउंडेशन है अच्छा न्याय होगा कैसे लोगों के मन में विश्वास भी होना चाहिए कि न्याय हो रहा है तब न्याय होगा नहीं तो न्याय नहीं माना जाता है तो इसलिए इसका जो उद्देश्य है कि टू तो सिक्योर जस्टिस इन द माइंड ऑफ पीपल और उनको पता चले इसलिए प्रेमबल जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखेंगे जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल तो ये जो जस्टिस है ऑल सॉर्ट ऑफ जस्टिस विच हैजिन विशेष बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको कैसे आप सिक्योर करेंगे जब तक नेचुरल जस्टिस का परिपालन कायदे से नहीं होगा और इसके विस्तार की अगर आप बात करें तो इसका विस्तार बड़ा बृहद है नेचुरल जस्टिस का यह न्यायिक कार्यों में भी लागू होता है यह क्वासी जुडिशियल कार्यों में भी जो न्यायिक कल्प हम बोलते हैं अर्ध न्यायिक जो कार्य हैं उसमें भी ये लागू होता है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पे भी लागू होता है तो इसका विस्तार बड़ा वाइड है ऐसा नहीं है केवल जुडिशियल अथॉरिटी ही नेचुरल जस्टिस फॉलो करने के लिए बाध्य है इवन आ, क्वासी जुडिशियल बॉडी और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी अप टू तो सर्टन एक्सटेंट बाउंड बाई द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो ये इसका विस्तार है तो बड़े शार्ट में मैंने आपको बताया कि इसका अर्थ क्या है इसका प्रकृति क्या है इसका उद्देश्य क्या है और इसका विस्तार क्या है इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं

अगेंस्ट बायस रूल अगेंस्ट बायस रूल अगेंस्ट बायस रूल अगेंस्ट बायस ये इसका पहला प्रिंसिपल है दूसरा इसका प्रिंसिपल है हियरिंग ऑडी अल्ट्रम पार्टेम इसको बोलते हैं हियरिंग ऑडी अल्ट्रम पार्टेम सेकेंड इज ऑडी पार्टे आडी अल्टरम पार्टे ये इसका दूसरा प्रिंसिपल है तो ये दो मेन इसके प्रिंसिपल हैं। इन दोनों की हम लोग व्याख्या पढ़े और बहुत ही बृहद रूप में इसकी चर्चा करेंगे नाउ कम टू फर्स्ट पॉइंट रूल अगेंस्ट बायस पक्षपात के विरुद्ध नियम ध्यान दीजिए पक्षपात के विरुद्ध नियम मैं थोड़ी देर पहले आपको छोटा सा एक एग्जांपल बताया कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन है मैं सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन हूं यह पक्षपात इसमें दिख रहा है यह पहला प्रिंसिपल है कता नहीं नहीं रूल अगेंस्ट बायस होना चाहिए इसको लीगल मैगजिम के भी नाम से जानते हैं लीगल मैगजिम इसमें जो काम करती है उसको हम बोलते हैं नेमो जुडेक्स इन काजा सुआ नेमोजुडेक्स इन काजा सुआ बोलते हैं इसको नेमो जुडेक्स इन काजा सुआ इसका मतलब नो वन शैल बी परमिटेड टू बिकम जज इन हिज ओन मैटर ध्यान दीजिए किसी भी व्यक्ति को उसी के अपने मामले में जज होने के लिए परमिट नहीं किया जाएगा अगर अपने मामले में जज मैं ही बन जाऊंगा तो निश्चित रूप से मैं अपने फेवर में डिसीजन दूंगा तो जो मैं एक, एक एग्जांपल आपको बताया था मेरे बच्चे का सिलेक्शन है मैं ही बोर्ड का चेयरमैन हूं तो मैं अपने मामले में जज बन गया ये मैगजिम कहती है ना नेमो जुडेक्स इनका जासुआ कोई भी अपने मामले में जज नहीं बनेगा आप कुछ दिन पहले एक घटना सुने होंगे कि चीफ जस्टिस देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ एक चार्ज लग गया इंटर्न कहती है कि नहीं हमारा सेक्सुअल एक्सप्लाटेशन हुआ है और उसके खिलाफ जांच एजेंसी बैठ गई जांच एजेंसी के बोर्ड के वो चेयरमैन बन गए जिनके खिलाफ एलिगेशन था और उनको क्लीन चिट भी मिल गई इसको लेकर के बड़ा मीडिया में ह्यू एंड क्राई हुआ और लीगल फेटर्निटी में इस पर बड़ा डिस्कशन हुआ कि किस तरीके की नेचुरल जस्टिस की बात भारत में इक्कीसवीं शताब्दी में हो रही है जहाँ पे चीफ जस्टिस के खिलाफ है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद उस इंक्वायरी कमेटी का चेयरमैन है, ही है कि लोगों से जब आप पूछेंगे आम आदमी से तो जब ऑब्जेक्टिविटी आप अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्टिविटी मिलेगा अरे ऐसा क्या हो गया इसका मतलब कि जब उन्हीं के खिलाफ है वही बैठे हैं तो निश्चित तो रूप से क्लीन चिट मिल जाएगी तो ये बात बोलता है कि अपने मामले में आपको जज नहीं बनना है लेट अदर बी डिसाइड योर मैटर तो अदर पे छोड़ दीजिए ना अदर पर्सन विल डिसाइड योर मैटर अगर अपने मैटर को आप अपने ही डिसाइड करेंगे तो पक्षपात पूर्ण हो जाएगा ठीक है ना तो पक्षपात के विरुद्ध नियम बोलते हैं रूल अगेंस्ट बायस पक्षपात के विरुद्ध नियम तो नेचुरल जस्टिस का पहला प्रिंसिपल है पक्षपात नहीं होना चाहिए पक्षपात होने के लिए आपको अपने मामले में जज नहीं होना चाहिए अब पक्षपात के कई काइंड्स हैं आप देखेंगे इस पक्षपात के जो पहला प्रिंसिपल है इसके कई काइंड्स हैं जैसे इसमें आप पहली बात देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें धन संबंधी पक्षपात जिसको हम पिक्यूनरी बायस बोलते हैं धन संबंधी दूसरा इसमें है सेकंड है इसमें पर्सनल बायस जिसको हम व्यक्तिगत पक्षपात बोलते हैं व्यक्तिगत व्यक्तिगत पक्षपात तीसरा जो इसमें है तीसरे को हम बोलते हैं विभागीय पक्षपात बोलते हैं इसको विभागीय अथवा शासकीय ऑफिशियल विभागीय और चौथे को हम बोलते हैं विषय वस्तु संबंधी पक्षपात जिसको हम सब्जेक्ट मैटर का बायस बोलते हैं विषय वस्तु विषय वस्तु अब एक एक करके थोड़ा सा हम लोग इसको देखेंगे पिकुनरी बायस क्या है धन संबंधी पक्षपात क्या है पिक्युनरी बायस का क्या कॉन्सेप्ट है ध्यान दीजिए तो धन संबंधी में यह है कि किसी भी तरीके से आर्थिक रूप से आप उस मामले में जुड़े हुए हैं आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं जैसे एक बहुत ही लीडिंग जजमेंट है ये पिक्यूनरी बायस का उस केस का नाम है डॉक्टर बोनहम केस डॉक्टर बोनहम केस ये जो केस है बड़ी पुरानी केस है 1610 सो में इसको डिसाइड किया गया था 1610 सो में लेकिन प्रिंसिपल बड़ा नया है बोनहम के मामले में क्या हुआ था बोनहम के मामले में कॉलेज ऑफ फिजिसियन ने जुर्माने और कारावास के लिए डॉक्टर बोनस के विरुद्ध दावा के आधार पर चलाया गया कि बिना उसके लाइसेंस प्राप्त किए हुए लंदन में प्रैक्टिस कर रहा था ध्यान दीजिए तो ये जो डॉक्टर बोनहम थे इनके खिलाफ़ ये मामला था कि भाई आपके पास तो लाइसेंस भी नहीं है जैसे अगर आप लॉ करके प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना पड़ेगा उसी तरीके से मेडिकल का कोर्स करके अगर आप मेडिकल में प्रैक्टिसनर हैं तो आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा यहाँ पर जो डॉक्टर है इसके खिलाफ ये एलिगेशन है कि ये प्रैक्टिस तो कर रहा है जे डॉक्टर लेकिन इसने मेडिकल काउंसिल से कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया विदाउट सर्टिफिकेट ही इज प्रैक्टिसिंग एज अ मेडिकल प्रैक्टिसनर और इसलिए ये क्या कर रहा है विभागीय रूल का वायलेशन कर रहा है तो इसके खिलाफ ये मामला आ गया था अब इसमें यह व्यवस्था थी कि उस कॉलेज में जो इस तरीके से प्रैक्टिस करेगा बिना सर्टिफिकेट के उसके ऊपर जो फाइन लगेगा उस फाइन का आधा हिस्सा कॉलेज को मिलेगा आधा हिस्सा स्टेट को जाएगा तो कॉलेज ने आवेदन कर दिया और कॉलेज ने ही कमेटी बैठा कर उसको दोषी मान लिया और दोषी मान करके उस पर ह्यूज कंपनसेशन इम्पोज कर दिया क्योंकि उसमें आधा पैसा कॉलेज को भी मिलना था तो जितना ज़्यादा कंपनसेशन का मामला होगा उतना ही कॉलेज को फायदा होगा अब ये बोनाम ने इसको चैलेंज कर दिया बोनाम कहता है कि भाई ये तो बायसनेस है जिसने पिटीशन फाइल किया हमारे लिए वही वहाँ पे बैठ करके जांच कर रहे हैं और जांच करके जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन डिसाइड कर रहे हैं उसमें उनका धन संबंधी पक्षपात है उनका पिक्यूनरी बायस है उनका क्योंकि जो पैसा हम देंगे उसमें से आधा पैसा उनको मिलेगा तो इस तरीके से ये धन संबंधी पक्षपात है पिक्यूनरी बायस है ये बोनस का कंटेंसन था और इस डॉक्टर के कंटेंसन के आधार पर कोर्ट ने इसको पिक्यूनरी बायस के आधार पर इस मामले को खारिज कर दिया कोर्ट ने कहा कि भाई जब आपको आधा पैसा मिलना है और आप ही उसमें बैठ करके डिसाइड कर रहे हो अमाउंट ऑफ कंपनेशन डिसाइड कर रहे हो तो आप निश्चित रूप से ज्यादा डिसाइड करोगे तो ये का केस है आप पैसे से इंटरेस्टेड हो इसलिए आप उसमें जज नहीं बनोगे कोई दूसरा इसको डिसाइड करेगा तो धन संबंधी

या तो आपका सगे संबंधी होगा अब व्यक्तिगत बायस भी दो तरीके का हो सकता है हो सकता है वो आपका बड़ा नियर और डियर है बड़ा क्लोज है आपके हृदय के बड़ा नज़दीक है आप उसके फेवर में क्या काम करोगे या दूसरा भी पहलू हो सकता है आप उससे बहुत चिड़ते हो आपका वो बेटर एनिमी है और आप उसके अगेंस्ट काम करोगे तो ये दोनों बायसनेस है व्यक्तिगत बायसनेस है दोनों पर्सनल बायस है क्योंकि अगर आप उसके उससे जुड़े हुए हो तो उसके फायदे में काम करोगे और नहीं अगर जुड़े हो उससे आप अहित चाहते हो तो उसके नुकसान में काम करोगे जबकि आपको कैसा काम करना है इम्पारसियल काम करना है तो व्यक्तिगत बायस जो है जो तो पर्सनल है है ये भी ये बात बोलता है कि तो आपका उससे कोई हित जुड़ा होना चाहिए तो तो उसके उसके फेवर में उसके अगेंस्ट में तो ही तो अगेंस्ट किसी तरीके से आप उससे जुड़े हुए और तब ठीक तो है, है और पर्सनल बायस में मामला हिट हो जाएगा तो इसमें भी एक दो केस है जिसको मैं रेफर कर दू आपको जिसमें एक केस क्रैपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ यह बड़ा लीडिंग सा जजमेंट है यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1970 में डिसाइड किया है एक क्रैपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक क्रैपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ए एक के क्रैपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ध्यान दीजिए तो क्रैपक में 1970 सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या होता है एक बंदा है वो सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर भी है और जिस जिस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो रहा है उसका वो अप्लीकेंट भी है तो अप्लीकेंट भी है वो अप्लाई भी किया है उसी में सिलेक्शन पाने के लिए और उस सिलेक्शन बोर्ड का वो मेंबर भी है तो होता क्या है जिस दिन उसका अप्लीकेशन आने की बात है तो वह बोर्ड से मेम्बरशिप को छोड़ देता है उस दिन उसमें वो नहीं बैठता है और बाद में उसका नाम जब लिस्ट में आता है तो उसका नाम भी उसमें दिखता है कि वो सिलेक्ट भी हो गया इसके आधार पर क्वेश्चन होता है कि भाई ये तो खुद उस सिलेक्शन बोर्ड के कमेटी का मेंबर भी था इसलिए जितने मेंबर वहां पे बैठे हुए हैं सबसे ये जुड़ा हुआ है ये कहता है कि भाई जब हमारे सिलेक्शन का मामला आया तब मैं थोड़े उसमें बैठा हुआ था तब तो और लोगों ने उसको डिसाइड किया था और जो उसमें बैठे हुए थे वो मेरे तो सगे संबंधी नहीं है किसी भी तरीके से लेकिन इसमें कोर्ट ने माना कि भाई सगे संबंधी का क्या मतलब वो आप रोज उनके साथ बैठते थे वो सारे आपके फेलो कंपेनियन हो गए थे तो आप अगर उसमें नहीं भी बैठे हो तो सारे आपको जान रहे हैं सारे आपसे बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपके फेवर में काम करेंगे तो एक एक रैपक के सिलेक्शन

ने एक, एक रेपक में तो को मान लिया केस जो मैं आपको बताना जा रहा हूं नहीं माना था पर्सनल ऑफ इंडिया टाटा सेलुलर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यह केस डिसाइड हुई है 1996 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टाटा सेलुलर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसमें क्या हुआ है इस बाद में एक सरकारी अधिकारी ने सांविधिक कर्तव्यों का निष्पादन करते हुए एक ऐसी कंपनी द्वारा प्रस्तुत निविदा को स्वीकार करने की सिफारिश की जिसमें उसका पुत्र नियोजित था ध्यान दीजिए तो ये सरकारी कर्मचारी है और ये कोई निविदा को कोई जो जो आप विड कर सकते हैं उसको इसने आमंत्रित कर दिया और उसी कंपनी को आमंत्रित कर दिया जिसमें इसका बच्चा आ, काम करता था निश्चित रूप से उसमें अगर पैसा जाएगा तो उसके बेटे को भी उसमें फ़ायदा होगा लेकिन अल्टीमेटली इसको चैलेंज किया गया कि भाई इनकी निविदा इसलिए आमंत्रित हुई है क्योंकि इन्हीं को आमंत्रित भी करना था और चूंकि उस कंपनी का इन्होंने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि इसमें इनके सन जो है एम्प्लॉयड है इस मामले को जब कोर्ट में ले गया गया तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि केवल इस आधार पे कि उसका बेटा उसमें नियोक्ता के रूप में है या कर्मचारी के रूप में है हम इस निविदा को खारिज नहीं करेंगे क्वेश्चन ये है कि भाई पर्सनल बायस है कि नहीं है उसके बेटे को इस निविदा से क्या पर्सनल बेनिफिट मिलने की संभावना थी अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो कंपनी तो दस आ रही हैं उसमें जो बेस्ट निविदा देगी उसको आमंत्रित कर लिया जाएगा तो इसमें तो कोई बुराई नहीं होनी चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका पर्सनल जुड़ाव से ही मामला खारिज हो जाएगा ये दिखना भी चाहिए कि पर्सनल जुड़ाव से बायसनेस है और उस बायसनेस को इंप्लीमेंट किया गया है तब तो पर्सनल बायस का प्रिंसिपल अट्रैक्ट होगा नहीं तो नहीं भी अट्रैक्ट होगा तो ये दोनों केसेस थी जिसमें एक एक रैपक में अट्रैक्ट हुआ था और इस टाटा सेलर में अट्रैक्ट नहीं हुआ था तो ये दो बायस हम लोगों ने देखा पहला पालापिक्विनरी बायस दूसरा हम देखते हैं पर्सनल बायस तीसरा हम लोग देख रहे हैं बायस एज टू सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु संबंधी पक्षपात ध्यान दीजिए विषय वस्तु संबंधी ये जो मैंने पॉइंट नंबर फोर में लिखा हुआ है विषय वस्तु संबंधी पक्षपात विषय वस्तु तो संबंधित पक्षपात क्या है इसमें मैं आपको बताऊं एक बड़ा लीडिंग केस है के चेलिया बनाम चेयरमैन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन के चेलिया बनाम चेयरमैन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन ये केस मद्रास कोर्ट ने डिसाइड किया है 1973 में और इसमें क्या हुआ था देखिए इस बाद में एक कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही निगम के अध्यक्ष द्वारा की गई थी अध्यक्ष के आदेश के विरुद्ध निदेशक बोर्ड के यहाँ अपील करने का संवैधानिक उपबंध था अध्यक्ष भी निदेशक बोर्ड का एक सदस्य था बोर्ड की उस बैठक में अध्यक्ष ने भी भाग लिया जिसमें अपील पर विचार किया गया बोर्ड के आदेश को पक्षपात के आधार पर अभिखंडित कर दिया गया बोर्ड की बैठक में अध्यक्ष का उपस्थिति ने पक्षकार के मस्तिष्क में पक्षपात की युक्त-युक्त आशंका सृजित कर दी और इस प्रकार पक्षपात की वास्तविक आशंका विद्यमान थी माने जिस व्यक्ति को एलिगेशन लगा रहा है वही व्यक्ति उसमें जांच कमेटी का चेयरमैन बना हुआ है और उसी विभाग से वो संबंधित है तो एक तरीके से ऑफिशियल बायस है चूँकि उसी विभाग का है हमसे उसका बहुत तो अच्छा संबंध नहीं है और हमारे मामले को वही अन्वेषण करके वही डिसाइड करने जा रहा है तो ये ऑफिशियल बायस का प्रिंसिपल है ऑफिशियल बायस भी दिखेगा तो हम इसको पक्षपात मानेंगे और लास्टली अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो एक है हमारे पास विभागीय जिसमें डिपार्टमेंटल बायस भी है तो इस तरीके से इसमें भी केसेस हैं लेकिन आप मान के चलें कि बायस के कई प्रिंसिपल हैं तो जो पक्षपात है ये तीन चार तरीके का हो सकता है पक्षपात धन संबंधी हो सकता है पक्षपात व्यक्तिगत हो सकता है पक्षपात विभागीय हो सकता है और पक्षपात सब्जेक्ट मैटर को लेकर के हो सकता है तो किसी भी तरीके का अगर पक्षपात है तो नेचुरल जस्टिस इसको रूल अगेंस्ट बायस से हिट करती है और जो किस लीगल मैग्जिम पे आधारित है नेमो जुडेक्स इन काजा सुआ, नो वन इनका बी परमिटेड टू बिकम जज इन हिज ओन मैटर इस प्रिंसिपल पर आधारित है तो ये पहला प्रिंसिपल था नेचुरल जस्टिस का रूल अगेंस्ट बायस अब थोड़ा हम हाँ दूसरे प्रिंसिपल पे चलते हैं सेकेंड प्रिंसिपल जो हम लोगों ने लिखा है अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो सेकेंड प्रिंसिपल है हमारे पास आरडी अल्ट्रम पार्टिम इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग ऑफ हियरिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग सुनवाई का अवसर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग तो इसमें देखिए आप अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग में क्या है अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग में कई बातें हैं भाई हियरिंग का मतलब अगर हमारे खिलाफ़ कोई एक्शन किसी को लेना है तो पहले हमको सुना भी तो जाना चाहिए अब हमको कैसे सुना जाएगा कई तरीके हैं बाई वे मैं बहुत नज़दीक बैठा हूँ तो मुझे बुला करके पर्सनल हियरिंग हो जाएगी मैं ऐसे जगह पर हूँ जिसमें मुझे बुलाना संभव नहीं है तो हमको कोई नोटिस दी जाएगी उस नोटिस से लिखित रूप से हमसे सुनवाई की जाएगी या डिसीजन के पहले या कभी कभी डिसीजन अगर बहुत जल्दी में ले लेना है तो डिसीजन के बाद भी सुनवाई करी जाएगी लेकिन कुल मिलाकर के सुनवाई तो करी जाएगी बिना हमारे सुने हुए बिना हमारे पक्ष को रखे हुए बिना जो बंदा हमारे खिलाफ़ कुछ कह रहा है उसकी बातों को हमको कंट्राडिक्ट करने का क्रॉस एग्जामिन करने का अवसर दिए हुए जो साक्ष्य हमारे खिलाफ़ प्रस्तुत कर रहा है उसके साक्ष्य को बिना प्रति परीक्षा किए हुए और अगर हमारे अगेंस्ट कोई डिसीजन दे दिया जाता है तो इसको हम बोलते हैं ये आर डी अल्ट्रम पार्टीम के रूल का वायलेशन है क्योंकि हमको भी सुनना चाहिए जब दोनों पक्षकार को आप सुनेंगे तब आपको लगेगा कि शायद इसमें कुछ ना कुछ निकल के आएगा तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग ये बोलती है कि नहीं दूसरे पक्ष को सुनो ये दूसरा प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का दूसरे पक्ष को सुनो तो अब इसमें कई बातें हैं जैसे जो सबसे पहला हमने बताया नोटिस सुनवाई कैसे होगी नोटिस से होगी ये नोटिस का जो कॉन्सेप्ट है नोटिस ध्यान दीजिए ये नोटिस सूचना का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है जैसे मान लीजिए सूचना किस तरीके की कैसे और कहा दी जानी चाहिए तो जैसे आप देखेंगे सूचना में ये लिखा जाना चाहिए कि क्या एलिगेशन है आपके खिलाफ अपोजिट पार्टी आपसे क्या मांग कर रहा है आपसे क्या रिलीफ चाहता है ये सब लिखा जाना चाहिए कौन कर रहा है आपके खिलाफ और इसके जवाब में आपको क्या प्रस्तुत करना है तो नोटिस में केवल बेयर नोटिस दो लाइन की नहीं होनी चाहिए जैसे मैं दो दिन पहले एक घटना थी हमारे एक जानने वाले थे तो उनके यहाँ एक प्रोसेस सर्वर आता है और उनके घर पे कहता है कि भाई आपको ना एसडीएम साहब के कोर्ट में फला तारीख को उपस्थित होना है तो चूंकि घर पे कोई नहीं था उनकी वाइफ थी और ये बात वो बोल के चला गया एक कागज पे लिख दिया कि एस डी एम फला 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 जगह सब कुछ लिख के छोड़ दिया फला डेट को आपको आना है लेकिन उसने कुछ नहीं लिखा कि भाई क्यों आना है क्या एलिगेशन है तो ये नोटिस नहीं है ध्यान दीजिए अगर वो नहीं भी जाते तो कुछ नहीं होता क्योंकि ये ड्यू नोटिस ही नहीं है उनको पता ही नहीं है कि कहाँ क्यों जाना है हमको और किसने हमारे खिलाफ क्या एलिगेशन लगाया है और हमको जाना है तो हमको क्या लेकर के जाना है कोई हमको डिफेंस लेकर के जाना है तो किस मामले में डिफेंस लेके जाना है तो इसको हम नोटिस नहीं मानते तो नोटिस का मतलब क्लियर कट पता चलना चाहिए क्यों कहां कैसे और किसके द्वारा एलिगेशन है तो हम तो इसको नोटिस मानेंगे नहीं तो नोटिस नहीं मानेंगे जब गवर्नमेंट के खिलाफ भी आप कोई मामला दाखिल करते हैं तो टू मंथ प्रायर नोटिस देते हैं अगर आप सेक्शन 80 सीपीसी में देखेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 80 में देखेंगे तो उसमें डॉक्टरीन ऑफ नोटिस की व्यवस्था है और ऑफ नोटिस में यह है कि भाई आप 30 दिन की उसकी कम से कम उसके दो महीने की नोटिस देंगे साठ दिन की और नोटिस के बाद ही मामला स्टार्ट करेंगे तो डॉक्टरीन ऑफ नोटिस की व्यवस्था है नोटिस दिया जाना चाहिए ठीक है ना तो नोटिस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और कैसे देंगे तो इस तरीके से प्रिसाइज और कंसाइज नोटिस होगी उसमें कौन बंदा एलिगेशन लगाया है उसका पूरा एड्रेस होगा किस चीज़ के लिए मामला दाखिल करना चाह रहा है ये भी होगा और आपको कब और कैसे पहुंचना है ये भी होगा तो ऐसी नोटिस होनी चाहिए अच्छा नोटिस के बाद देखिए जो दूसरी बात है इसमें ये तो पहला हो गया नोटिस आडी अल्ट्रम पार्टम में दूसरा क्या है सेकंड पॉइंट क्या है इसमें सेकंड पॉइंट है हियरिंग ध्यान दीजिए हियरिंग अब हियरिंग में क्या है हियरिंग के कई अपेक्षाएं हैं हियरिंग से कई अपेक्षाएं हैं जैसे मैं कुछ-कुछ पॉइंट -कुछ पे बात करूं कि न्याय निर्णायक प्रस्तुत की गई सभी सुसंगत सामग्री को प्राप्त करता है हियरिंग में यह है कि जो भी जब आप हियरिंग दी जाएगी तो आपको सारे सामग्री के साथ उपस्थित होने के लिए जब आप जा रहे हैं तो आपको पता रहेगा ना क्या एलिगेशन है और आपको सुनवाई के लिए बुलाया गया है तो आपको सारी सामग्री जो भी आपके फेवर में है उसको लेकर के जाएंगे आप भी अपने बातों को डॉक्यूमेंट के थ्रू रख सकते हैं या ओरल रख सकते हैं जो भी लेकिन सारे मटेरियल के साथ प्रस्तुत आप कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप चले जाएंगे और आप अगर कोई अपने फेवर में अच्छा एविडेंस रखें तो उसको टेकअप नहीं किया जाएगा उसको देखा नहीं जाएगा और सुनवाई भी कर दिया गया तो यह सुनवाई नहीं है इसको हम फेयर जस्टिस फेयर हियरिंग नहीं बोलते हैं का मतलब जो सामग्री हमारे पास उपलब्ध है हमारे बचाव के लिए वो सामग्री को भी देखा जाना चाहिए तो इसको हम बोलते हैं सामग्रियों का प्रस्तुतिकरण तो में फर्स्ट पॉइंट है इसका भी एक जिक्र होना चाहिए सामग्रियों का प्रस्तुतिकरण ये पहला पॉइंट था अब इसमें बी पॉइंट देखिए दूसरा पॉइंट क्या है न्याय निर्णय करने वाला प्राधिकारी संबंधित व्यक्ति को उन साक्ष्य और सामग्री का प्रकटीकरण करता है और प्रकटीकरण करने के बाद क्या करता है संबंधित व्यक्ति को उस साक्ष्य अथवा सामग्री का खंडन करने का अवसर प्रदान करता है जिसे उक्त प्राधिकारी के विरुद्ध प्रयोग करना चाहता है तो अगर मान लीजिए आप अपनी बात तो रखेंगे ही डॉक्यूमेंट के थ्रू और दूसरा जो आपके खिलाफ कोई साक्ष्य दिया उसको खंडन करने का भी हमको अवसर सुनवाई में होना चाहिए और खंडन हम कैसे करेंगे बाई क्रॉस एग्जामिनेशन आप देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में तो उसमें तीन तरीके के एग्जामिनेशन की व्यवस्था है चीफ क्रॉस और री एग्जामिनेशन तो इस तरीके से सत्य का पता लगाया जाता है जैसे कोई हमको कह रहा है आपने चोरी किया है और मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमने चोरी नहीं किया है तो उसने कह रहा है चोरी किया है तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया होगा उसके साक्ष्य का खंडन हमको करना है कि नहीं नहीं हमने चोरी नहीं किया है तो हमको भी कोई प्रस्तुत करना पड़ेगा तो ये उसके सामग्री और मेरे सामग्री के बीच में जो प्रति परीक्षा होगी जिसके आधार पर सत्य निकल के आएगा यह भी प्रोसीजर है सुनवाई का तो ऐसे प्रति परीक्षा होनी चाहिए आगे नेक्स्ट कॉम्पोनेंट आप देखिए पॉइंट नंबर सी हियरिंग में पॉइंट नंबर सी में अगर आप आएंगे नेक्स्ट पॉइंट में तो क्या सुनवाई हमको खुद जाके करना है कि हमारा विधिक प्रतिनिधि भी कर सकता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो कभी कभी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी अलाउ कर दिया जाता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी जाएगा और जाकर के हमारे तरफ से सुनवाई कर सकता है तो ऐसा नहीं है कि बार बार सुनवाई हम ही को जाके करना है हमारा लीगल रिप्रेजेंट जैसे मान लीजिए मेरा एडवोकेट है जैसे मान लीजिए मेरा सिविल मामले में लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो धारा दो सब धारा ग्यारह सी में डिफाइंड है हु इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमारे भी आपसे जाएगा और जाकर के वो हमारे मामले को प्रस्तुत कर सकता है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी पहुंच सकता है हमारे लिए सुनवाई करने के लिए तो ये भी इसमें बात है कि हियरिंग ऐसे होगी और इस तरीके से होगा अब इसके बाद ध्यान रखिए एक चीज है एक बड़ा सेलिब्रेटेड प्रिंसिपल है कि जो सुनेगा वही डिसाइड करेगा ध्यान दीजिए जो सुनेगा जैसे मान लीजिए हमको बुला दिया गया किसी कोर्ट में या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास और उसके सामने पूरी हमारी सुनवाई हो गई तो सुना उसने हमारे पक्ष को भी सुना हम डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो उसको भी देखा लेकिन डिसाइड करने वाला वो नहीं है डिसाइड करने, तो करने वाला कोई तीसरा है ध्यान रखिए तो जब डिसाइड करने वाला कोई तीसरा है और सुनने वाला कोई और है तो क्या ऐसा हो सकता है मान लीजिए सुनवाई हुई ए के सामने लेकिन इस मामले का डिसीजन करता है बी तो क्या यह हमेशा जरूरी है कि जो सुनेगा वही डिसाइड करेगा कि क्या यह भी हो सकता है कि सुनेगा ए और डिसाइड करेगा बी इसमें क्या रूल है तो इसका रूल इंग्लैंड में भी हम देखेंगे अमेरिका में भी देखेंगे और भारत में भी देखेंगे तीनों में क्या क्या डिफरेंस है तो थोड़ा मैं इस स्क्रीन को साफ करके और फिर मैं इस पर कुछ कुछ लिख करके आपको बताऊंगा सबसे पहले आप देखिए कि यूनाइटेड किंगडम में इसकी क्या व्यवस्था है यूनाइटेड किंगडम में इसकी क्या व्यवस्था है तो यूके में जब आप जाएंगे यूके में यूके में तो वहां पे यह है कि वन हु डिसाइड मस्ट हेयर वन हु डिसाइड्स मस्ट हेयर माने वो जो डिसाइड करता है वही सुनेगा इसको लेकर के आप देखेंगे इंग्लैंड में एक बड़ी लीडिंग केस है लोकल गवर्नमेंट बोर्ड बनाम आर्लिज ये केस जो है डिसाइड की गई है उन्नीस में अपील केसेस है ये उन्नीस में डिसाइड किया गया है लोकल गवर्नमेंट बोर्ड बनाम आर्लिज इस मामले में लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने एक निर्णय दिया जिसको इस आधार पर चुनौती दी गई कि सुनवाई टाउन प्लानिंग इंस्पेक्टर द्वारा की गई और निर्णय लोकल गवर्नमेंट बोर्ड द्वारा दिया गया अर्थात जिस प्राधिकारी ने सुनवाई की गई उसके द्वारा निर्णय नहीं दिया गया न्यायालय ने इसे अस्वीकार करते हुए निर्णय दिया कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं हुआ है ध्यान दीजिए तो ब्रिटेन में ये बड़ी पुरानी केस है उन्नीस में भाई सुनवाई ए करता है और डिसीजन बी लेता है ऐसा कई बार हो जाता है क्योंकि विभाग में कोई जरूरी नहीं है कि वही आदमी सुनवाई करेगा जो डिसाइड करेगा सुनवाई करके वो रिपोर्ट तैयार करेगा वो सारी बात लिखेगा और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया जाएगा तो रिपोर्ट के आधार पर डिसाइड करने वाला डिसाइड करेगा अगर हर चीज़ में सुनवाई भी वही करने लगेगा तो डिसीजन में डिले हो जाएगा तो इसलिए ब्रिटेन में बड़ा सेलिब्रेटेड प्रिंसिपल है जो उन्नीस में ही प्रपाउंड कर दिया गया कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड ऑलवेज कि हु डिसाइड्स मस्ट हेयर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड ऑलवेज हाँ जरूरी है अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है लेकिन नहीं भी होता है तो कोई इसमें इस आधार पर कोई मामला शून्य नहीं हो जाएगा ठीक है ना तो आर्लिज का केस इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से जब यूएसए में आप जाएंगे तो यूएसए में वन हु डिसाइड्स मस्ट वन हु हियर हुयर डिसाइड का क्या रूल है यहां पे यूएसए में आप जाएंगे तो एक बड़ी लीडिंग केस है इस केस का नाम है मोरगन बनाम यूनाइटेड स्टेट्स और यह केस डिसाइडेड है 1936 में 1915 में ब्रिटेन वाली थी 1936 में यह डिसाइडेड है मोर्गन का जजमेंट है और इसमें जो विनिश्चय करता है उसे सुनवाई करना आवश्यक है के सिद्धांत पर व्यापक रूप से विचार किया गया था इस मामले में संबिधि ने कृषि सचिव को यह शक्ति प्रदान की थी कि कसास स्टीटयार्ड पशुधन के क्रय एवं विक्रय हेतु अधिकतम दर को नियत करने का आदेश पारित करे संबिधि द्वारा सेक्रेटरी से अपेक्षा की गई थी कि वह पूरी सुनवाई के पश्चात कार्रवाई करे सेक्रेटरी ने याची द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी साक्ष्य को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई अथवा अंधापन नहीं किया था सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा की गई थी किंतु अधिकतम दर नियत करने के संबंधित अंतरिम आदेश सेक्रेटरी द्वारा कारित किया गया था सेक्रेटरी के आदेश को न्यायालय द्वारा अभिखंडित कर दिया गया न्यायालय ने यह प्रेषण किया कि निर्णय का कर्तव्य सेक्रेटरी का कर्तव्य था अतः तो उसे यह अपेक्षा की गई थी कि वह साक्ष्य स्वयं संबोधित करता और उस निष्कर्ष पर जागरूकता से पहुंचता जिसे वो न्यायोचित समझे तो अमेरिका में अगर मोर्गन के जजमेंट को आप देखेंगे तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का अलग ओपिनियन है इनका कहना है कि चूंकि रेट जो है वो सेक्रेटरी को डिसाइड करना है तो जो संबंधित डॉक्यूमेंट थे जिसके नहीं बोलेंगे तो वन हुर मस्ट डिसाइड तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका में माना जाता है कि भाई आप हेयर किए तो आपको इसको करना है जनरली कभी कभी इसका एक्सेप्शन भी हो सकता है तो ब्रिटेन में हम लोगों ने एक बात देखा और अमेरिका में हम लोगों ने दूसरी बात देखा जो आर्लिज और मोर्गन के जजमेंट से स्पष्ट है अब भारत में थोड़ा सा आते हैं देखिए इंडिया में इसमें क्या व्यवस्था है तो इंडिया में हमारे यहां यह है कि एक बड़ा लीडिंग सा जजमेंट है गुलाप नागेश्वर राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश तो इस मामले में उच्चतम न्यायालय में अब निर्धारित किया कि एक व्यक्ति द्वारा सुनवाई किया जाना तथा तो अन्य व्यक्ति द्वारा निर्णय दिया जाना रिज सुनवाई के नियम के प्रतिकूल है ध्यान दीजिए तो हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कहती है कि जनरली सामान्य तौर पे वन हु हेयर मस्ट डिसाइड ये रूल होना चाहिए भाई हेयर आपने किया है तो डिसाइड आपको करना चाहिए ये अगर अगर ऐसा नहीं हुआ है हेयर आपने किया और डिसाइड किसी तीसरे ने कर दिया तो इसको हम हेयर हियरिंग नहीं बोलेंगे तो हियरिंग का मतलब ये नहीं है कि बस फॉर्मेलिटी है हियरिंग का मतलब सब्सटेंशियल हियरिंग होनी चाहिए और सब्सटेंशियल हियरिंग हियरिंग तभी होगी जब आप ही ने हियर किया और आप ही ने डिसाइड किया तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नागेश्वर राव के जजमेंट में इसको क्लियर करती है तो ये हम लोगों ने देखा कि जो सुनवाई करेगा वही डिसाइड करेगा ये लेकर के भारत में इस तरीके की बात है अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है हियरिंग में जिसको हम बोलते हैं पोस्ट डिसीजनल हियरिंग ध्यान दीजिए पोस्ट डिसीजनल हियरिंग इसका क्या कॉन्सेप्ट है पोस्ट डिसीजनल हियरिंग का पोस्ट डिसीजनल हियरिंग पोस्ट डिसीजनल हियरिंग माने डिसीजन के उपरांत सुनवाई भाई सुनवाई आप हमको पहले करके और डिसाइड करेंगे तो ये तो अच्छी बात है कि पहले हमको सुन लिया इसके बाद मामले को डिसाइड कर दिया अब मान लीजिए मामले को ही आपने पहले डिसाइड कर दिया और डिसाइड करने के बाद हमको हियर कर रहे हैं तो उस हियरिंग का कोई मतलब है इसको लेकर के भारत के न्यायालयों का क्या, क्या मत है इसमें आप देखिए एक बड़ा लीडिंग सा जजमेंट है जिसमें मैं बात करूंगा उस जजमेंट का नाम है स्वदेशी काटन मिल्स वर्म यूनियन ऑफ इंडिया ये बड़ा लीडिंग सा जजमेंट है इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जहां निर्णय के पूर्व की सुनवाई से मुक्ति प्रदान की जाती है वहां निर्णयोत्तर सुनवाई का प्रावधान आवश्यक हो जाएगा कहने का मतलब कुछ ऐसे प्रावधान है जहां पे प्री डिसीजनल हियरिंग इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू तो एनी रीजन प्री डिसीजनल हियरिंग इज नॉट प्रैक्टिकेबल नॉट पॉसिबल ड्यू टू तो पब्लिक इंटरेस्ट ड्यू टू तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और ड्यू टू तो एनी अदर रीजनेबल रीजन तो अगर ऐसा है कि भाई प्री डिसीजनल हियरिंग हो ही नहीं सकती इसमें कठिनाई उत्पन्न होगी तो कोई बात नहीं है फिर तो पोस्ट डिसीजनल हियरिंग आपको देना पड़ेगा क्योंकि कोई हियरिंग ना देना ये तो अच्छी बात नहीं है प्री डिसीजनल हो जाए तो अच्छा है लेकिन अगर प्री डिसीजनल न हो तो क्या कोई सुनवाई न हो इससे तो बढ़िया है कि कम से कम पोस्ट डिसीजनल हियरिंग हो जाए डिसीजन के बाद की हियरिंग हो जाए इसमें डी स्मिथ का एक स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा डी स्मिथ बड़े सेलिब्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के स्कॉलर हैं डी स्मिथ डी स्मिथ ये क्या बोलते हैं डी स्मिथ साहब एक लाइन में मैं इनकी स्टेटमेंट को आपके सामने रख रहा हूं डी स्मिथ ने निर्णयोत्तर सुनवाई के नियम को न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया है उनके अनुसार पूर्व सुनवाई पश्चातवर्ती सुनवाई से बेहतर होगी ध्यान दीजिए पूर्व सुनवाई पश्चातवर्ती सुनवाई से बेहतर होगी किंतु पश्चातवर्ती सुनवाई कोई सुनवाई न किए जाने से तो बेहतर होती ही है ये इनका स्टेटमेंट है प्री डिसीजनल हियरिंग इज गुड देंड पोस्ट डिसीजनल हियरिंग दैट इज वॉट डी स्मिथ स्टेटेड इनका कहना है प्री डिसीजनल हियरिंग इज गुड दैन पोस्ट डिसीजनल हियरिंग लेकिन पोस्ट डिसीजनल हियरिंग कम से कम कोई हियरिंग न होने से तो बेहतर ही है तो इसलिए अगर नहीं हो पाया हियरिंग प्री डिसीजनल हियरिंग नहीं हो पाई बाई एनी रीजन व्हाट्स एवर जैसे मैंने आपको बताया पब्लिक इंटरेस्ट है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है या कोई ऐसा रीजन है जिससे कि आप सुनवाई नहीं कर सकते देन एंड देर मामले को डिसाइड करना है डिले हो जाएगा और आपने डिसाइड कर दिया सुनवाई नहीं दे पाए आप तो कोई बात नहीं है उसके बाद तो उसको सुनवाई का अवसर दे दीजिए तो डी दी स्मिथ साहब इसको जस्टिफाई करते हैं तो कहते हैं पहले तो प्राइमरली ड्यूटी है डिसाइडिंग अथॉरिटी की प्री डिसीजनल हियरिंग दे लेकिन अगर नहीं दे पाती है तो पोस्ट डिसीजनल हियरिंग भी चलेगा ठीक है ना तो ये है पोस्ट डिसीजनल हियरिंग का कॉन्सेप्ट आप इसमें देखेंगे ना मनेका गांधी का बड़ा लीडिंग जजमेंट है भारत के न्यायपालिका के इतिहास में अगर आप देखेंगे मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नाइनटीन जिसमें मनेका गांधी के पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया था बिना किसी हियरिंग को दिए हुए और इसलिए जब्त कर लिया गया था कि अगर हम हियरिंग देंगे और जब्त करेंगे तो पासपोर्ट अथॉरिटी का एक आना था बड़ा डिले हो जाएगा तब तक तो विदेश चली जाएगी क्योंकि हियरिंग देने में हमको नोटिस देना पड़ेगा तब तक वो विदेश चली जाएगी दो तीन दिन में तो उन्होंने क्या किया उसके पासपोर्ट को जब्त कर लिया और मनेका गांधी को एब्रॉड नहीं जाने दिया गया मनेका गांधी ने इस पासपोर्ट एक्ट को चैलेंज कर दिया और उसके पर्टिकुलर सेक्शन को जिसके आधार पे आ, सीजिंग अथॉरिटी ने सीज किया हुआ था तो उसने चैलेंज कर दिया और बाद में उनको हियरिंग का अवसर दिया गया कि चलिए ठीक है तो सीज हो गया आप नहीं जा पाई लेकिन आपका इसमें क्या कहना है तो पोस्ट डिसीजनल हियरिंग का कांसेप्ट मनेका गांधी में इंट्रोड्यूस किया था सुप्रीम कोर्ट ने इन नाइनटीन इन इंडिया तो पोस्ट डिसीजनल हियरिंग हमारे यहाँ हुई है बड़ी इस लीडिंग जजमेंट में मनेका गांधी के जजमेंट में तो यह पोस्ट डिसीजनल हियरिंग अब एक बड़ा सेलिब्रेटेड प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल में जिसको हम बोलते हैं रीजन डिसीजन ध्यान दीजिए रीजन डिसीजन रीजन डिसीजन का क्या मतलब, मतलब निर्णय जो मैं निर्णय कर रहा हूं आपके खिलाफ या आपके पक्ष में यह निर्णय अकारण नहीं है यह निर्णय सकारण है इसका कोई ना कोई रीजन है तो इसलिए आपके फेवर में जैसे मैं कह रहा हूं पेन हमारी है और कोर्ट ने इस पेन को हमारे फेवर में डिसाइड कर दिया और अंकुर जी के अगेंस्ट डिसाइड कर दिया तो क्वेश्चन है कि ये पेन हमारे फेवर में डिसाइड हुआ अंकुर जी के अगेंस्ट डिसाइड हुआ तो क्यों क्यों नहीं अंकुर जी की पेन है और क्यों ये हमारी पेन है ये रीजन देना पड़ेगा जज को तो इसको हम बोलते हैं रीजन डिसीजन सकारण यह पेन हमारी है अकारण नहीं है ऐसा नहीं है जैसे आपसे हमारा कोई संबंध है उन्होंने कर दिया। no, law, तो ये कहने का मतलब रीजन डिसीजन होना चाहिए ठीक है ना तो कोई भी डिसीजन अगर रीजन नहीं है तो हम उस डिसीजन को अच्छा डिसीजन नहीं मानते उसको हम फेयर डिसीजन नहीं मानते उसको हम बायस डिसीजन मानते हैं और बायस डिसीजन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है ठीक है ना तो इसको अगर आप देखेंगे इंग्लैंड में भी देखेंगे अमेरिका में भी देखेंगे या भारत में भी देखेंगे तीनों जगह जब आप देखेंगे तो रीजन डिसीजन का कॉन्सेप्ट है अगर आप ब्रिटेन में और अमेरिका में देखेंगे तो इसमें तो स्टेचुटरी प्रावधान बेस पे हैं कि जब आप करेंगे तो एज पर दिस सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ यू हैव टू प्रोवाइड रीजन फॉर योर डिसीजन भारत में अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई सांविधिक प्रावधान नहीं है इसमें कोई स्टेचुटरी ऑब्लीगेशन नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ को कि कोर्ट ऑफ लॉ जब जजमेंट और ऑर्डर करेगी तो उसमें रीजन देगी लेकिन ये सेलिब्रेटेड जुडिशियल प्रिंसिपल ले डाउन किया गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा इन इन मेनी जजमेंट्स जहाँ पर यह है कि वो रीजन देंगे जब डिसीजन अपना देंगे तो और उसको हम बोलते हैं स्पीकिंग ऑर्डर्स तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ शुड स्पीक्स इन दमसेल्स ऐसा नहीं है कि क्यों ऐसा ऑर्डर आया तो ऑर्डर खुद अपने आप में बोलेगा इसलिए ऐसा ऑर्डर आया तो इसको स्पीकिंग ऑर्डर बोलते हैं ठीक है ना तो इसको हम बोलते हैं रीजन डिसीजन तो ये भी एक तरीके से फेयरनेस है इन जुडिसियल मेकिंग प्रोसेस फेयरनेस तो फेयरनेस को सिक्योर करता है रीजन डिसीजन तो ये सारे कॉम्पोनेंट हम लोगों ने देखा जिसमें हम लोगों ने देखा रूल अगेंस्ट बायस वो बायस पर्सनल हो सकता है वो बायस पिक्यूनरी हो सकता है वो बायस ऑफिशियल हो सकता है वो बायस सब्जेक्ट मैटर का बायस हो सकता है या कोई और तरीके का बायस हो सकता है तो ऐसे बायसनेस को नेचुरल जस्टिस डिस्कार्ड करता है और दूसरा नेचुरल जस्टिस कहता है नई ने, नेमो मीन्स आडी अल्ट्रम पार्टेम होना चाहिए मींस अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड होना चाहिए और हियरिंग के तमाम कम्पोनेंट को बताया गया नोटिस होगी हियरिंग होगी हियरिंग कैसी होगी हियरिंग क्या प्री डिसीजनल होगी पोस्ट डिसीजनल होगी और हियरिंग क्या वही व्यक्ति के सामने होगी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के सामने होगी हियरिंग करने वाला ही डिसाइड करेगा दूसरा भी डिसाइड करेगा ये सारी बातें हम लोगों ने बहुत ही समराइज और बहुत ही कंसाइज बहुत ही प्रिसाइज तरीके से देखा तो ये सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल थे नेचुरल जस्टिस के अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं जो कुछ

अगर आप आर्टिकल चौदह की बात करें भारत के संविधान में तो नेचुरल जस्टिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इक्वालिटी इन इंडिया तो अगर फंडामेंटल राइट में आप देखेंगे समानता के अधिकार का अहम हिस्सा है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत जिसमें फेयरनेस होना चाहिए जस्टनेस होना चाहिए और जिसमें सुनवाई का अवसर होना चाहिए नहीं तो ये स्वेच्छाचारिता को आमंत्रित करेगा नहीं तो ये बायसनेस को और क्लास लेजिस्लेशन को आमंत्रित करेगा और क्लास लेजिस्लेशन बायसनेस स्वेच्छाचारिता ये सब हटाई गई है आर्टिकल चौदह के दायरे से कोर्ट कहती है कि नहीं ये सब नहीं होना चाहिए रूल अगेंस्ट आर्बिट्रीनेस और प्रिंसिपल अगेंस्ट ये सब नहीं होना चाहिए अगर लेकिन इसका एक्सक्लूजन कब हो जाएगा कई एक्सेप्शन है जैसे एक्सक्लूजन में अपोर्जन के नियम पर हम लोग चल रहे हैं पॉइंट नंबर वन लेजिस्लेटिव एक्सक्लूजन लेजिस्लेटिव एक्सक्लूजन जब कानून के धारा में खुद यह व्यवस्था है कि वहां पे नेचुरल जस्टिस का पालन आवश्यक नहीं है तो नेचुरल जस्टिस एक्सक्लूड हो जाएगी सेकेंड पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सक्लूजन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सक्लूजन अगर संविधान के किसी आर्टिकल में ही लिख दिया गया है जैसे आपको मैं एक आर्टिकल रेफर करूं आर्टिकल तीन सौ ग्यारह आर्टिकल 311 सौ बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें बड़ा लीडिंग जजमेंट है तुलसी राम पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मैं उतना मैं सिविल सर्वेंट की तरफ नहीं जा रहा हूं मैं केवल नेचुरल जस्टिस पे हूं कब इसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा तो आप देखेंगे आर्टिकल 311 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई पब्लिक प्राधिकारी है लोक प्राधिकारी है पब्लिक सर्वेंट है अगर उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्ज है तो उसमें सुनवाई का अवसर नहीं भी दिया जाएगा अगर उसके सुनवाई के अवसर से सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को खतरा होने की संभावना है तो फिर भी उसको सुनवाई नहीं दिया जाएगा अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर ये महसूस कर रहे हैं कि सुनवाई देने से स्टेट को या पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर होगा तो फिर भी उसमें सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाएगा या तो तीन सौ ग्यारह में जो एक्सक्लूजन है वो स्पष्ट एक्सक्लूजन है क्लियर और एक्सप्रेस एक्सक्लूजन है तो वहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा वहाँ पर नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं भी होगा तो चलेगा तो या तो किसी कानून के धारा के द्वारा प्रावधान के द्वारा एक्सक्लूजन है एक्सक्लूड तो हो जाएगा कोई बात नहीं है या तो संवैधानिक प्रावधान के द्वारा एक्सक्लूजन है तब भी एक्सक्लूड हो जाएगा कोई बात नहीं है तीसरे पॉइंट पे आइए तीसरा एक्सक्लूजन क्या है तीसरा एक्सक्लूजन कहता है कि अगर विधायी कृत्य के मामले में अपवर्जन ध्यान दीजिए विधायी कृत्य के मामले में लेजिस्लेटिव एक्शन लेजिस्लेटिव एक्शन ध्यान दीजिए लेजिस्लेटिव एक्शन जैसे मान लीजिए कोई कानून बना रही है विधायिका तो कानून बना रहे ये तो कोई जरूरी थोड़े है कि वो कानून हो सकता है उस कानून से हमारे अधिकारों का हनन हो जाए जैसे अभी बना भारतीय न्याय संहिता अभी बना भारतीय साक्ष्य अधिनियम और अभी बना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अभी तीन दो के लेजिस्लेशन बने हैं जो दो से इन्फोर्स हो जाएंगे अगर इसमें को बनाने से हो सकता है इसमें बहुत ऐसे ऑफेंस हैं जो हमारे खिलाफ भी हो सकते हैं हमारे राइट को एम्पर कर सकते हैं तो क्या सारे लोगों को बुला करके पहले पार्लियामेंट सुने कि आपका इसमें क्या कहना है और तब बनाए तो क्या ऐसे कोई कानून बन पाएगा 144 करोड़ लोगों को सुनवाई दिया जाए ऐसा तो नहीं हो सकता तो एक्शन में एक्सक्लूजन है नेचुरल जस्टिस का इसमें नहीं दिया जा सकता ये ये संभव नहीं है ठीक है पॉइंट नंबर फोर्थ आप देखेंगे चौथा इसमें जो एक्सेप्शन है वो है जनहित में पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट जनहित में एक्सक्लूजन अगर उसका एक्सक्लूजन एक आदमी को सुनवाई न देने से सैकड़ा आदमी का फायदा हो जाएगा तो पब्लिक इंटरेस्ट में हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे इसको प्रिंसिपल नेसेसिटी बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको बताऊंगा वाइड टर्म है किस मामले में क्या पब्लिक इंटरेस्ट है ये डिसाइड करती है कोर्ट

अब इमीडिएट एक्शन में अगर हम नेचुरल जस्टिस को ले आकर घुसाएंगे तो पहले तो हम उसको सुनवाई देंगे सुनवाई के लिए पहले उसको नोटिस होगी नोटिस पता नहीं उसको मिली कि नहीं मिली नोटिस मिलने के बाद पता नहीं उसके पास टाइम है वो आप आया कि नहीं आ पाया और यहाँ डिसीजन कल और परसों तक ले लेना है तो ऐसे मामले में इमीडिएट एक्शन जहाँ पर लेना है वहाँ पर फिर एक्सक्लूजन है नेचुरल जस्टिस का पोस्ट डिसीजनल हो सकता है और कुछ हो सकता है लेकिन डिसीजन कर दिया जाएगा एक्सक्लूड कर दिया जाएगा पाँचवां पॉइंट छठवें पॉइंट पर अगर आप आएंगे छठवां इसका एक्सेप्शन क्या है अव्यवहारिकता के आधार पर अपॉर्जन जहां पे प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल अव्यवहारिक है दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू टू गिव द द अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग और इंप्लीमेंट प्रिंसिपल ऑफ रूल अगेंस्ट बायस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन तो अव्यवहारिक है नॉन प्रैक्टिकेबल है तो फिर भी इसका एक्सक्लूजन हो जाएगा सातवां पॉइंट नंबर सेवन सातवां है गोपनीयता के मामले में अपोर्जन ध्यान दीजिए प्राइवेसी अगर आप हियरिंग देंगे तो उसमें दस लोगों के सामने हियरिंग होगी सारे लोग सुनेंगे जबकि ये बड़ा प्राइवेट मामला है इसको गोपनीय रखने की बात है इसको पब्लिश करने की बात नहीं है तो वहाँ पे फिर हियरिंग नहीं होगी तो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेसी भी एक्सक्लूजन हो सकता है नेचुरल जस्टिस का पॉइंट नंबर नेक्स्ट हमारे पास है शैक्षणिक न्याय निर्णयों के मामलों में अपवर्जन आठवां शैक्षणिक न्याय निर्णय अब जैसे मान लीजिए मैं प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी में और मैं एलएलबी या एलएलएम या पीएचडी के किसी बच्चे के किसी आंसर स्क्रिप्ट को मैं इवेलुएट कर रहा हूँ मैं चेक कर रहा हूँ उसकी कॉपी आंसर स्क्रिप्ट और मैंने उसको फेल कर दिया तो क्या मैं पहले उसको बुला करके सुनूं कि तुमको मैं इतना नंबर क्यों दूं और क्यों न दूं तुम्हारा इसमें क्या कहना है अगर ऐसे करेंगे तो मैं तो अगर 200 कॉपी में से 50 बच्चों को मैंने फेल किया तो हर 50 को बुला के मैं सुनवाई करूंगा इसके बाद मैं कॉपी चेक करूंगा यह संभव है और उसको पता चल जाएगा हम ही फेल कर रहे हैं तो पता नहीं हमारा क्या होगा तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो शैक्षणिक मामलों में जो डिसीजन होते हैं उसमें एक्सक्लूजन है प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वहां पर नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल है इसलिए वहां पर नहीं देने की जरूरत है पॉइंट नंबर नौवा अगर आप देखेंगे नौवा जो इसमें एक्सेप्शन है वो क्या है जब किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिलंघन न किया गया हो उस समय भी नेचुरल जस्टिस का एक्सक्लूजन है भाई आपके अधिकार का हनन हुआ ही नहीं है तो फिर कैसी सुनवाई तो सुनवाई तभी होगी जब आपके अधिकार का हनन हुआ है तब आपको बुलाया जाएगा भाई इसमें आपका क्या कहना है जब आपके किसी राइट का वायलेशन ही नहीं है तो उसमें सुनवाई का कोई अवसर नहीं है नेचुरल जस्टिस कंप्लायंस का कोई अवसर नहीं है पॉइंट नंबर दस दसवां एक्सेप्शन क्या है अंतिम निवारक कार्यवाही के मामले में अपवर्जन अंतरिम कार्यवाही अगर है अंतरिम कार्यवाही उसमें भी वो एंटरिम ऑर्डर है तो फाइनल ऑर्डर होता है जिसमें कि आपका राइट अगर एक बार हेम्पर हो जाता तो फिर वह सेटिस्फाई नहीं हो पाता तब तो बात समझ में आती है लेकिन अंतरिम मामले में कैसा तो अंतरिम मामले में कोई भी इस तरीके की बात नहीं अंतरिम मामले में एक्सक्लूजन है नेचुरल जस्टिस का और लास्ट में कपट के मामले में अपवर्जन अगर आप खुद इग्रामा इसका एक्सेप्शन है अगर आप खुद फ्रॉडुलेंट एक्शन कर रहे हैं हम खुद फ्रॉडुलेंट हैं जब हम खुद फ्रॉडुलेंट हैं तो क्या करेंगे हमको कोई अवसर नहीं मिलेगा और एक्सक्लूजन आ जाएगा नेचुरल जस्टिस का तो पहले ये ये इक्विटी का रूल है हु सिक्स इक्विटी मस्ड डू इक्विटी तो अगर हमको नेचुरल जस्टिस की हियरिंग की हम बात करें बायसनेस की बात करें तो हमको भी क्लीन एंड से आना पड़ेगा तो हम खुद फ्रॉडुलेंट एक्शन में इन्वॉल्व हैं और हम दूसरे से रिजू सुनवाई की बात कर रहे हैं तो ये खट्टा मिठ्ठा एक साथ नहीं चलता है इसको इलेक्शन से बाढ़ ठीक है, है ना तो ये सारे दस ग्यारह अपवर्जन हम लोगों ने देखा अपवाद देखा जिसके आधार पर नेचुरल जस्टिस का एक्सक्लूजन हो जाएगा ठीक है तो ये था पहला पॉइंट स्लाइड में अगर आप देखेंगे प्राकृतिक न्याय का अपवर्जन एक्सक्लूजन ऑफ नेचुरल जस्टिस अब दूसरी बात है इसमें दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक न्याय के भंग का प्रभाव क्या होगा प्राकृतिक न्याय के भंग का प्रभाव क्या होगा प्राकृतिक न्याय के भंग का प्रभाव क्या होगा अगर प्राकृतिक न्याय का भंग हो गया तो इसका क्या प्रभाव होगा तो इसको मैं स्क्रीन इस एक बार साफ कर लूं फिर मैं इस पॉइंट पे आपको बताता हूं प्राकृतिक न्याय के भंग का क्या सिद्धांत है और क्या प्रभाव है देखिए तो अगर प्राकृतिक न्याय का भंग हो गया तो एक बड़ी लीडिंग जजमेंट है इसमें रीज वर्सेस बॉल्डविन रीज वर्सेस वॉल्डविन बॉल्डविन और यह डिसीजन दिया गया है 1964 में 1964 का ये फॉरेन कोर्ट का डिसीजन है रीज वर्सेस वॉल्डविन जिसमें कहते हैं इफ़ देर इज वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मान लीजिए कोई जुडिशियल अथॉरिटी है वैसी जुडिशियल अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो मामले को डिसाइड कर रही है और डिसाइड करने में नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं कर रही है हियरिंग नहीं दे रही है या बायसनेस पे काम कर रही है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा रीज वर्सेस वॉल्डविन में इंग्लिश कोर्ट कहती है ये मामला शून्य होगा ध्यान दीजिए शून्य होगा बिग जीरो तो इफ़ दे रीज वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड मैटर हैज़ बिन डिसाइडेड अकॉर्डिंगली तो उस डिसीजन का प्रभाव शून्य होगा जीरो होगा तो इसका बड़ा बड़ा इसका रिगरस इंपैक्ट है कि नेचुरल जस्टिस अगर भंग कर दी गई नेचुरल जस्टिस का कंप्लायंस नहीं हुआ और उसके बाद भी मामला डिसाइड कर दिया गया तो उस डिसीजन को हम नलिटी मानते हैं बिग जीरो मानते हैं शून्य मानते हैं उसका कानून में कोई प्रभाव नहीं है तो ये तो इंग्लिश कोर्ट का डिसीजन था रीज वर्सेज बॉल्डविन इसी तरीके से अगर आप भारत में भी देखेंगे तो भारत में हमारे पास कई ऐसे डिसीजन हैं और कई ऐसे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हैं जिसके आधार पर कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि इफ़ देर इज वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो सब कुछ ख़त्म माना जाएगा और ऐसे डिसीजन को अच्छा डिसीजन नहीं मानते हैं तो भारत में अगर आप देखेंगे आर्टिकल चौदह में अगर सुनवाई नहीं हुई और डिसाइड हो गया अगर स्वेच्छाचारिता में डिसीजन ले लिया गया तो ये आर्टिकल चौदह मनमानापन में डिसीजन ले लिया गया तो आर्टिकल फोर्टीन का वायलेशन हो गया अगर युक्त युक्तता का परिपालन नहीं हुआ तो ये, जिसको रीजनेबलनेस बोलते हैं तो ये आर्टिकल का वायलेशन हो गया और अगर जस्टनेस और फेयरनेस का कंप्लायंस नहीं हुआ तो ये आर्टिकल 21 का वायलेशन हो जाएगा तो फंडामेंटल राइट में अगर भारत में भी देखेंगे तो नेचुरल जस्टिस के तमाम कॉम्पोनेंट इन्वॉल्व हैं और अगर इनका पालन नहीं हुआ तो इट अमाउंट्स टू तो वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा इस बहुत ही इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्रिंसिपल में हम लोगों ने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या है इसका अर्थ क्या है इसका उद्देश्य क्या है इसका विस्तार क्या है इसकी प्रकृति क्या है ये हम लोगों ने देखा हम लोगों ने इसके तमाम इंपॉर्टेंट सिद्धांतों को देखा जिसमें रूल अगेंस्ट बायस की बात होती है जिसमें ऑडियल ट्रम पार्टेम की बात होती है और जिसमें रीजन डिसीजन की बात होती है इस सब को हम लोगों ने देखा और इसको हम लोगों ने कंपेयर भी किया इंग्लैंड से अमेरिका से और इंडिया के बीच में विद द हेल्प ऑफ मेनी सेलिब्रेटेड डिसीजन हम लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया और लास्टली हम लोगों ने देखा कि नेचुरल जस्टिस एक्सक्लूड कब कर दिया जाएगा जिसमें दस ग्यारह एक्सेप्शन हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने यह भी देखा कि नेचुरल जस्टिस अगर भंग हो जाती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो भंग होने में मामला शून्य माना जाएगा तो इस तरीके से इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के मैं आपके सामने बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में रखने का प्रयास किया मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं अपने वाणी के माध्यम से आपके पास पहुँचाऊँगा और आपको मेरी बात समझ में आई होगी इस नोट के साथ मैं सभी लोगों को पेशेंस शेयरिंग के लिए धन्यवाद देता हूँ और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो वेरी मच नमस्कार सबको धन्यवाद Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre existing materials, pre existing stories. Now, does that diminish the stature of? Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.